नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y21G versus Samsung Galaxy M32 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y21G में 6.46 इंच जबकि Galaxy M32 में 6.27 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Y21G से कम है। विड्थ की बात करें तो Y21G में 2.99 इंच जबकि Galaxy M32 में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Y21G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Y21G में 0.31 इंच जबकि Galaxy M32 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Y21G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y21G में 182 ग्राम जबकि Galaxy M32 में 196 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Y21G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Y21G में IPS LCD जबकि Galaxy M32 में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y21G में 6.51 इंचेस जबकि Galaxy M32 में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y21G में 720x1600 और Galaxy M32 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y21G में 81.99% जबकि Galaxy M32 में 83.89% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y21G में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy M32 में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y21G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और गैलेक्सी M32 की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y21G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Galaxy M32 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही Mali G52 MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y21G में MediaTek Helio G70 और Galaxy M32 में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो Y21G में 4GB की RAM मिलती है, जबकि Galaxy M32 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y21G में 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Galaxy M32 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y21G में Android V12 जबकि Galaxy M32 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Y21G में 5000 mAh जबकि Galaxy M32 में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y21G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें गैलेक्सी M32 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y21G में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy M32 की तो उसमें 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy M32 आगे है, मेन कैमरा में Galaxy M32 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Galaxy M32 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Zero 8i है, दूसरा Realme 9 Pro 5G है, तीसरा Xiaomi Redmi 10A है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C21Y है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।